बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11 ए और इसका क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस बी अपॉन ए। मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मोर देन वन मेथड होते हैं। अगर किसी और टीचर ने किसी और मेथड से करवाया तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि जो मेथड भी कोई टीचर अडॉप्ट करे ठीक होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो चीज़ ही गलत हो। अच्छा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी अपॉन ए। सबसे पहले एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से सी एक्स प्लस है, इससे आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। इसको सी एक्स को यहाँ से हटा के इधर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सी एक्स को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, करते हैं सब्ट्रैक्ट सी एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड से आप क्या करें, आप सी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी अपॉन सी हो गया इज इक्वल टू यहां भी सी एक्स और माइनस सी एक्स हो गया प्लस बी अपॉन ए हो गया। सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा सर यहां पे, बी अपॉन ए। और यहां देखें एक्स ए के साथ भी है और सी के साथ भी है, ये काम अब अगले स्टेप में कर लेते जो मैं करने लगा था। अच्छा, प्लस बी अपॉन सी हो गया। अब यहां बी अपॉन सी है, यहां बी अपॉन ए है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो विदाउट एक्स वाली टर्म्स को इस साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहां प्लस बी अपॉन सी है तो इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहां से भी करेंगे, बोथ साइड से करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी अपॉन सी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम बी अपॉन सी को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी अपॉन सी और माइनस बी, प्लस बी अपॉन सी तो ये हो गया, इधर बी अपॉन सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां भी बी अपॉन सी सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस ये वाला बी अपॉन ए एज इट इज आ गया, ओके ये कैंसिल हो गया। जी सर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए। यहां तक क्लियर हुआ, देखिए अब एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है सर, एक्स कॉमन आता है, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए। अब ये डिनोमिनेटर रह गए, इनको हम यहां पे सॉल्व करते हैं, क्या है, एक्स इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए। डिनोमिनेटर में यहां सी है यहां ए है, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से, किससे, ए सी से। सर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी से तो दोनों साइड को करना पड़ेगा, इस साइड को भी इस साइड भी कर लेते हैं सर। देखें अब बहुत आसान हो गया, थोड़ा सा रह गया, मल्टीप्लाई बाय ए सी ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे ए सी से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू ए माइनस सी, और यहां भी ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय माइनस बी अपॉन सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए। सी से सी कट गया, क्या बचा, ए, ए को जब इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, होगा माइनस ए बी प्लस ए से ए कट गया, क्या बचा, सी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आता है, जी सर कॉमन आ रहा है, ये माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस बी, तो यहां से क्या रह गया सर, माइनस का साइन भी बाहर चला गया, बी भी चला गया तो ए रह गया। सर बाहर माइनस का साइन आ गया तो ये प्लस का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और बी बाहर चला गया तो यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ
सी रह जाएगा। माइनस बी की कॉमन निकाला, क्योंकि तो देखें यहां पे हमारे पास ए माइनस सी है, जब हमने यहां से माइनस बी कॉमन निकाला इन दोनों के साइन चेंज हो गए, और यहां भी हमारे पास ए माइनस का था प्लस का हो गया और बी प्लस का था माइनस का हो गया, क्योंकि आपने बाहर साइन माइनस का कॉमन निकाला, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो गए। हमने ए माइनस सी इसलिए किया कि ये ए माइनस सी है और ये माइनस सी आपस में कट जाएंगे, इन दो स्टेप्स में ये जो आएगा ये हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये a माइनस सी यहां मल्टीप्लाई और x से, अगर हम यहां से a माइनस सी खत्म करें और ये ए सी भी खत्म करें तो क्या करें, डिवाइड कर दें इन सब को, क्योंकि ये सब x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय ए सी, ये वाला ए सी इंटू ए माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। इसको करने के और मेथड्स भी हैं, ठीक है। अच्छा ये तो वैसे का वैसे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करना है, ए सी इंटू ए माइनस सी, और इक्वेशन के इस साइड में क्या करना है, माइनस बी इंटू ए माइनस सी अपॉन किससे डिवाइड करना है, ए सी इंटू ए माइनस सी से, ए माइनस सी से कट गया, ए माइनस सी ए माइनस सी से कट गया, और ये ए सी ए सी से कट गया, यहां क्या रह गया, जस्ट एक्स रह गया, और यहां क्या रह गया, माइनस बी अपॉन ए सी रह गया, और ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सी। देखें सब्ट्रैक्ट सी एक्स फ्रॉम बोथ साइड्स, हमने सी एक्स को सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहां पे सी एक्स था, हमने एक्स वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, यहां से हटा दिया, ठीक है। अब ये बी सी है और यहां बी अपॉन ए है, फिर बी अपॉन सी को यहां से हटाया, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गए, यहां सिर्फ ये रह गया, और यहां क्या आ गया, माइनस बी अपॉन सी और प्लस बी अपॉन ए, ये वाला आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहां से x कॉमन ले लिया, क्या रह गया, a माइनस सी, ये वैसे का वैसे ही आ गया, यही चीज एज इट इज हम यहां ले गए। अब इसके दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमने खत्म करना था, a और c का अगर आप एलसीएम निकालें तो ए सी ही आएगा, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू ए माइनस सी, वैसे का वैसे ही आ गया, ये यही चलता आ रहा है। यहां पे क्या हुआ, जब ए सी को मल्टीप्लाई किया माइनस बी अपॉन सी से, सी इससे कट गया और ए बच गया, ए को जब आपने माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस ए बी हो गया, यहां ए ए से कट गया, सी को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी हो गया। अब देखें यहां हमने क्या किया, यहां ए माइनस सी था, तो यहां भी अगर हम माइनस बाहर कॉमन ना लेते थे सी माइनस ए होता, लेकिन हमें ए माइनस सी चाहिए था ताकि हम इसको आगे कट कर सके, तो हमने क्या किया, हमने यहां से माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया और बी भी दोनों में था वो भी कॉमन ले लिया, जब माइनस का साइन कॉमन लिया दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस वाली टर्म थी ये प्लस की हो गई और ये प्लस वाली टर्म थी ये माइनस की होगी, माइनस का साइन कॉमन आ गया ना। अच्छा अब अगले स्टेप में क्या किया हमें, देखें एक्स के साथ ए माइनस सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ए सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को ए सी इंटू ए माइनस सी को डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे, जिससे क्या होगा एक्स अकेला रह जाएगा, हमने देखा ए सी इंटू एक्स इंटू ए माइनस सी हमने लिखा, डिवाइडेड बाय क्या किया ए सी इंटू ए माइनस सी, और यही यहां पे किया, ए माइनस सी से कट गया, ए सी से कट गया, सिर्फ एक्स बच गया, हमने लिख दिया ए माइनस सी से कट गया, क्या बचा, माइनस बी अपॉन ए सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, x माइनस ए अपॉन एल प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम, ए एल प्लस बी एम अपॉन एल एम। अब देखें एल है नीचे डिनोमिनेटर में, यहां एम है और यहां एल एम है, इस सारे का अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो निकलेगा एल एम, वो जैसे हमने ए बी और ए बी का निकाला था, एल एम से इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय एल एम ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय एल एम ऑन बोथ साइड्स। यहां भी एल एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स माइनस ए अपॉन एल बच गया, प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एम, और इसके साथ भी एल एम को मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैसे का वैसे आ गया साथ में एल एम मल्टीप्लाई, ये भी एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय एल एम इज इक्वल टू, यहां भी एल एम से मल्टीप्लाई किया और ए एल प्लस बी एम अपॉन एल एम, ये वैसे का वैसे आ गया। एल एम से एल एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा, एम इंटू एक्स माइनस ए, यहां प्लस एल, ये एल बचा हुआ, इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, एल एम कैंसिल हो गया, क्या बचा ए एल प्लस बी। अब ये m भी अंदर ब्रैकेट में दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये l भी, करते हैं m को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स माइनस ए एम हो गया, m और a मल्टीप्लाई होंगे तो ए एम, प्लस एल एक्स, एल एक्स से मल्टीप्लाई होता है एल एक्स हो गया, माइनस l और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एल हो गया, इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम, वैसे का वैसे आ गया। अब देखें आप कि ये x वाली टर्म को तो इकट्ठा लिख दिया, एम एक्स और एल एक्स को इकट्ठा लिख देते हैं, यहां माइनस एम ए एम है और माइनस बी एल है, हमें ये दोनों यहां से रिमूव करने होंगे ताकि यहां पे सिर्फ एक्स वाली टर्म्स बच जाएं। तो क्या करेंगे सर, यहां माइनस ए एम है तो प्लस ए एम ऐड कर लें, यहां माइनस बी एल है तो प्लस बी एल को ऐड कर लें, तो इकट्ठा लिख देते हैं एड, एड व्हाट ए एम एंड बी एल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ए एल बी एल और ए एम को ऐड कर लें, एम एक्स प्लस एल एक्स इकट्ठा लिख दिया, ये दोनों हमने इकट्ठे लिख दिए, ये क्या है माइनस ए एम, ये जो ऑलरेडी गिवन था वो, और ऐड क्या करना है यहां पे, ये वाला ए एम हमने ऐड कर लिया, फिर ये हम लिख चुके, ये भी लिख चुके और ये भी लिख चुके, क्या रह गया माइनस बी एल, ये हमने लिख दिया, और अब यहां पे दूसरी चीज ऐड क्या करनी है हमने, ये वाला बी एल जो हमने लिखा है, अब यहां पे ए एल, अब यहां पे ऐड क्या करना है हमने ए एम और बी एल, ये इस साइड पे ऐड किए हैं ए एम और बी एल, तो यहां भी करने पड़ेंगे सर, कर लिए ए एम भी ऐड कर लिया, प्लस और क्या ऐड करना है सर, बी एल करना है, पहले ये बी एम लिख लेते हैं फिर यहां बी एल लिख लेते हैं, देखिए ये ए एम हमने इस साइड पे भी ऐड किया और इस साइड पे भी ऐड किया, यही हमने कहा ना ऐड ए एम ऑन बोथ साइड, और हमने क्या कहा ऐड बी एल ऑन बोथ साइड, बी एल हमने यहां भी ऐड कर लिया और यहां भी ऐड किया। अब देखिए ये ए एम और ए एम कैंसिल हो गया, ये बी एल और बी एल कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहां पे एम एक्स प्लस एल एक्स रह गया, एम एक्स प्लस एल एक्स, यहां क्या रह गया ए एल प्लस ए एम बी एम प्लस बी एल। सर इनमें देखें अगर आप तो ए कॉमन आता है, जी सर आता है, ले लिया हमने ए कॉमन, क्या बचा एल प्लस, यहां से जब ए कॉमन चला गया तो एल रह गया ना प्लस, इसके साथ ए कॉमन चला गया तो एम रह गया प्लस, अब इन दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन ले लिया, यहां से यहां क्या रह गया एम और यहां क्या रह गया एल, तो एम प्लस एल लिख लें या एल प्लस एम लिख लें एक ही बात है। अब देखिए ये भी L प्लस M है, ये भी L प्लस M है, L प्लस M, M या M प्लस L, आगे पीछे इनको लिखा जा सकता है, दरमियान में प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से देखें, यहां से कुछ कॉमन आता है, जी सर इन दोनों में X है, X कॉमन ले लिया, क्या आया L प्लस M या M प्लस L एक ही बात होगी, इज इक्वल टू। अब देखिए इस टर्म में भी L प्लस M है, इसमें भी L प्लस M है, तो L प्लस M दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें क्या रह गया A लिख दिया प्लस, इसमें क्या रह गया बी लिख दिया, ठीक हो गया। ये है एक्स इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू एल प्लस एम इंटू ए प्लस बी। अब देखिए इधर भी एल प्लस एम है एक्स के साथ, हमें यहां पे सिंगल अकेला एक्स चाहिए, साथ में एल प्लस एम नहीं चाहिए, इसको रिमूव करना होगा, क्या करेंगे सर, यहाँ x से ये l प्लस एम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो l प्लस एम से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें, आए करते हैं
डिवाइडेड बाय एल प्लस एम ऑन बोथ साइड्स। इधर भी कर दिया एल प्लस एम से डिवाइड, और इधर भी कर दिया एल प्लस एम से डिवाइड। एल प्लस एम से कट गया, एल प्लस एम से कट गया। क्या बच गया यहाँ पे? सिर्फ एक्स, और यहाँ पे ए प्लस बी। देखा आपने यहाँ पे क्या आया आंसर? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 11। ये क्वेश्चन नंबर 18 है 4x प्लस 3 अपॉन 9, 4x प्लस 3 अपॉन 9 प्लस 2x अपॉन 5, 2x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 अपॉन 15। 9, 5 और 15 तीनों डिनोमिनेटर्स हैं, तीनों का ले लेते हैं क्या एलसीएम। 9, 5 और 15, 2 के टेबल में तो इनमें से कोई भी नहीं आता, 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। 3, 3 जा 9, 5 वैसे का वैसे ही आ गया, 3, 5 जा 15। अब फिर ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 वन जा 5 और 5 वैसे ही आ गया। फिर 5 के टेबल में 1 वैसे ही आ गया, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। क्या एलसीएम आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 आपका एलसीएम आ गया। अब 45 को मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई बाय 45 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4x प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 2x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 45। यहाँ 3x प्लस 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 45। यहाँ भी और यहाँ भी 45 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 वन ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। क्या क्या रह गया? 5। और यहाँ 4x प्लस 3 प्लस 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। क्या हुआ? 2x मल्टीप्लाई बाय 9, ये 2x आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 15 वन ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। यहाँ क्या है? 3। 3x प्लस 2 ये वैसे का वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 हो गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के दोनों नंबर से होगा, 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 9 2 जा 18x आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर से 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। ओके अच्छा अब आगे चलते हैं। 2x और 18x इन दोनों को ये 20x प्लस 18x क्या हो जाएगा? 38x प्लस ये 15 वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल्स टू 9x प्लस 6। अब यहां से ये 9x हटाते हैं क्योंकि x वाली टर्म को एक ही साइड पे करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या होगा? 38x, यहाँ भी 9x हम सब्ट्रैक्ट किया प्लस 15 वैसे का वैसे इज इक्वल्स टू 9x, यहाँ भी 9x सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 6 वैसे का वैसे, 9x से 9x कट गया, क्या आया? 6 बच गया। 38x में से 9x सब्ट्रैक्ट किया तो 29x हो गया और ये प्लस 15 हो गया। ठीक है जी, 29x प्लस 15 इज इक्वल टू 6। इसको अब आगे लेके चलते हैं। 29x प्लस 15 इज इक्वल टू 6।
यहाँ प्लस 15 है जो कि यहां से रिमूव करना है, तो क्या करेंगे 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 29x प्लस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 6 माइनस 15, यहां भी 15 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहां भी 15 सब्ट्रैक्ट हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो गया, यहां क्या रह गया 29x और 6 माइनस 15, ये प्लस का 6 है, इससे आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा डेफिनेटली, प्लस 6 और माइनस 15 साइन डिफरेंट है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 बच गया और साइन ये बड़े नंबर वाला, 15 बड़ा नंबर है, 6 और 15 में 15 बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस 9 आ गया। अब x के साथ क्या है 29, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 29 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे, डिवाइडेड बाय 29 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 29 से डिवाइड कीजिए, 29x यहाँ भी 29 से डिवाइड हो गया और यहाँ पे भी माइनस 9 29 से डिवाइड हो गया, यहाँ 29 29 से कट गया, क्या रह गया x और यहाँ पे माइनस कटते नहीं है तो माइनस 9 अपॉन 29, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।